हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CS एजुकेशन पोर्टल और मैं आज आपको बताऊंगा कि रिवर्स शार्प मैग्नीज़ में की एंट्री कैसे करते हैं। टेली में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि इसका लेज़र कैसे बनाते हैं, एंट्री कैसे करते हैं, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले होम पेज में आ जाएंगे, इसके बाद यहाँ पास वाउचर में आएंगे। वाउचर में आने के बाद परचेस वाउचर में आएंगे, उसके बाद यहाँ पास कंट्रोल एच करेंगे। कंट्रोल एच करेंगे तो आपको मोड चेंज करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आपका आइटम इनवॉइस में रहेगा तो आप यहाँ पास अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पास आप डालेंगे ट्रांसपोर्टर का पास इनवॉइस नंबर, या फिर नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। डेट डाल देंगे और यहाँ पर ट्रांसपोर्टर का नाम डालना है, जिस ट्रांसपोर्टर से आपने सामान मंगाया है उसका नाम डालेंगे। यहाँ पास नया बनाने के लिए हम कर देते Alt+C। उसके बाद जैसे यहाँ पास रघुवंशी ट्रांसपोर्ट करके लिख लेते हैं, आप जो जिस ट्रांसपोर्ट से मंगा रहे हैं उस ट्रांसपोर्ट का यहाँ पास नाम डालेंगे। उसको रखेंगे यहाँ पास सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पास पेमेंट करना है उनको, तो आप इसको क्रेडिटर में रखेंगे। एड्रेस डाल देंगे, अगर आपके पास पूरा एड्रेस है पूरा एड्रेस डाल देंगे, यहाँ पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद GST नंबर है तो यहाँ पास रेगुलर करके GST नंबर डालेंगे, नहीं है तो अनरजिस्टर करके आप इसको अनरजिस्टर करके सेव कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, इसको सेव करते हुए इस सब को सेव करेंगे। यहाँ पास न्यू लेज़र बनाएंगे, यहाँ करेंगे ट्रांसपोर्ट चार्ज RCM करके, तो यहाँ नया लेज़र बना लेते हैं। इस प्रकार से हमारे लेज़र बन गए हैं। अब इसको हम रखेंगे यहाँ पास डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में, और यहाँ पास इसको एप्लीकेबल रखेंगे GST को, और यहाँ यस करेंगे। इसको जैसे यस करेंगे यहाँ पास आपको डालना है HSN कोड, ट्रांसपोर्ट का HSN कोड आप नेट से देख के डाल देंगे। मैं यहाँ पास 12345 पैसे डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पास नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, यहाँ पर टैक्सेबल रखना है, इसको टैक्सेबल करेंगे। और नीचे में देखेंगे यहाँ पास रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। F12 पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर थर्ड नंबर वाला ऑप्शन है, इसको यस करेंगे तभी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके में शो नहीं हो रहा है तो इसको यस करके आप एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद इसको यस करेंगे और यहाँ पास जो है ट्रांसपोर्टर का चार्ज रहता है 5%, तो इसको डालेंगे तो ऑटोमेटिक नीचे में भी ये फिल हो जाएगा। उसके बाद इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पास आपको करना है जितना अमाउंट का आपको ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा है उसको डाल देना है। जैसे 2500 का लगा है तो 2500 यहाँ पास डाल लेंगे, इनको ऑन अकाउंट में रखेंगे और इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पास से सेव कर लेंगे, आपको GST वगैरह यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक GST कैलकुलेट होगा। यहाँ पर GST स्टेटमेंट में जाएंगे, यहाँ पास 3B में जाएंगे और यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई, ये जो है 125, या हमने जो 2500 रुपये डाले थे उसका टैक्स यहाँ पास कैलकुलेट ऑटोमेटिक हो जाएगा, जो रिवर्स चार्ज के रूप में रहेगा। तो इस प्रकार से हम RCM की एंट्री करते हैं। यहाँ पास आप देख सकते हैं GST अलग अलग इस प्रकार से कैलकुलेट हुआ है। आप स्टेट जो भी डालेंगे उसके हिसाब से GST अलग अलग रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।